नमस्कार विद्यार्थियों, पार्शव मुलर एनर्जीज के बारे में हम लोगों ने बात किया, केमिकल पोटेंशियल के बारे में बात किया। उसी क्रम में आज हम एक और टॉपिक फ्री एनर्जी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। एनर्जी के बारे में तो सुना ही है, एक फ्री एनर्जी क्या है, कितने तरीके की है या क्या वेरिएशन है, इसके बारे में कुछ एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में प्रारंभ करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो भी हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जितने भी हैं, इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में दो तरीके की टेंडेंसी होती है। एक तो कि वो मिनिमम एनर्जी अचीव करने की कोशिश करती है और दूसरा मैक्सिमम एंट्रोपी अटेन करने की कोशिश करते हैं। यदि एंट्रोपी को हम कांस्टेंट माने या रखें, तब हम कह सकते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी अटेन करने का प्रयास करेगा सिस्टम, और यदि एनर्जी को कांस्टेंट रखें तो वो मैक्सिमम एंट्रोपी की ओर अग्रसर होगा। ये स्पॉन्टेनियस केसेस में या स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए हम मान के चलते हैं या होता है, लेकिन अधिकतर केसेस में ना तो हम एनर्जी को पूरी तरीके से कांस्टेंट रख पाते हैं और ना ही एंट्रोपी को पूरी तरीके से कांस्टेंट सही तरीके से रख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दो नए फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, जिसमें कि इन्वॉल्विंग एनर्जी एंड एंट्रोपी। वो जो दो फंक्शन नए इंट्रोड्यूस किए गए उनको क्या कहा गया, एक तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कहा गया और एक गिब्स फ्री एनर्जी कहा गया, अर्थात ए और जी। ये दो नए फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए। हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, अर्थात कोई ना कोई थोड़ी बहुत एनर्जी रह जाती है जो कि यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। देयर ऑलवेज रिमेन्स सम अनअवेलेबल एनर्जी दैट इज नॉट कन्वर्टेड टू यूजफुल वर्क, और वही अनअवेलेबल एनर्जी हमारी एंट्रोपी की माप होती है। ये बात हम एंट्रोपी में डिस्कशन कर चुके हैं। इसका मतलब जो हमारी अवेलेबल एनर्जी है वो क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, उसमें से अनअवेलेबल एनर्जी निकाल दें तो वो अवेलेबल एनर्जी है, ठीक है। ये तो बात हुई, ये टोटल एनर्जी यूजफुल वर्क में कन्वर्टेबल नहीं है तो कितनी एनर्जी कन्वर्टेबल है उसको किस तरीके से निकालेंगे, कि टोटल अवेलेबल एनर्जी कितनी है उसको निकालने के लिए टोटल एनर्जी कितनी है और उसमें से कितनी हम यूज नहीं कर सकते, अनअवेलेबल है, उसको माइनस कर दें, बाकी बची हुई एनर्जी यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। और एंट्रोपी ये हमारी अनअवेलेबल एनर्जी की माप है, ये हम एंट्रोपी में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसको कि हम TS से लिखते हैं। तो ये TS अनअवेलेबल एनर्जी होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, जो अवेलेबल एनर्जी है मान लीजिए X, वो किसके बराबर हो गई, Q टोटल एनर्जी माइनस अनअवेलेबल एनर्जी TS। ये हमारी
अवेलेबल एनर्जी हो गई। तो अगर वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखें ऐसी स्थिति में Q को रिप्लेस करके हम E लिख सकते हैं या लिखते हैं, और अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो Q को रिप्लेस करते हैं H से। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं कि हम जो प्रोसेस अपना कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर है या कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। तो ऐसी स्थिति में हम उस Q को रिप्लेस करते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे पास ये दो रिलेशंस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ Q को हमने रिप्लेस किया E से, यहाँ Q को रिप्लेस किया H से, और ऐसी स्थिति में हमारे पास दो नए रिलेशंस आ जाते हैं जो कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी के लिए होते हैं। तो ये दो रिलेशन हमारे पास नए बन जाते हैं। ठीक है, तो ए को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मली अवेलेबल एनर्जी, दैट इज हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, और जी को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मली अवेलेबल इंथाल्पी, क्योंकि एच हमारी इंथाल्पी है, वो हम गिब्स एनर्जी को कहेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दो नए कॉन्सेप्ट्स हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी के आ जाते हैं। अब ये जो हमारी वैल्यूज हैं ए और जी, ये दोनों ही थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। एक को हमने लिखा है ई माइनस टी एस, दूसरे को हमने लिखा है जी माइनस टी एस, एच माइनस टी एस, उसमें सारी वैल्यूज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं। तो ऐसी स्थिति में ए और जी भी जो हमारा जो निकलता है वो स्टेट ऑफ द सिस्टम या इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अर्थात थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हो जाता है या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हमारे कहलाते हैं। तो जैसे और हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, उसी तरीके से दो नए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ए एंड जी ये यहां से निकल कर आते हैं, और डी ए और डी जी ये हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। जहां आवश्यकता पड़ेगी ये डिफरेंशियबल भी हैं और इंटीग्रेबल भी हैं, और ये क्या साइन है, साइक्लिक इंटीग्रेशन का, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी ए और साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी जी इट इज इक्वल टू जीरो, और ये किसी भी स्टेट वेरिएबल के लिए कंडीशन होती है, क्योंकि यदि हम एक अवस्था ए से चलें और डिफरेंट पाथ से होते हुए वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाते हैं तो उस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता, वो हमारा साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है। तो यहां पर भी ए और जी क्योंकि स्टेट वेरिएबल हैं, इसलिए साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी ए एंड साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी जी ये दोनों भी जीरो के बराबर होते हैं, और ये दोनों ही हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं लाइक अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ए और जी के बीच में, इसको भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि H इक्वल टू E प्लस पी वी ये हमारे पास पहले से इंथाल्पी के लिए इक्वेशन है, रिलेशन है, जानते हैं, एंड G इक्वल टू H माइनस टी एस होता है ये भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर H की जगह पर हम यदि E प्लस पी वी रख दें तो हमारे पास इसको मॉडिफाइड रूप में या रीअरेंज करके E माइनस टी सी टी एस प्लस पी वी बन जाता है, और एक रिलेशन ये G इक्वल टू ए प्लस पी वी हमारे पास आ जाता है।
तो ये जी और ए एंड हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन बन जाता है, ये आ जाता है। और दो स्टेट्स के लिए हम इन दो को अलग अलग तरीके से जी वन और जी टू इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक रिलेशन है तो उसको हम अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो ये यदि हम माने इनिशियल स्टेट, इसको हम माने फाइनल स्टेट, तो डेल्टा जी दैट इज चेंज इन जी, इसको हम निकाल सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा ए टू माइनस ए वन प्लस पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन, या डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा ए। ये भी हमारे पास एक रिलेशन चेंज इन जी के लिए आ जाता है। आइडियल गैस यदि हम कंसीडर करते हैं, अधिकतर कैलकुलेशन हम आइडियल गैस पर ही करते हैं, तो यदि आइडियल गैस को हम कंसीडर करें तो ऐसे केस में P1V1 बराबर nRT1 लिखते हैं और P2V2 बराबर nRT2 लिखते हैं। तो उसको यहाँ पर यदि हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा ए प्लस एन आर इंटू टी टू माइनस टी वन। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स थी, यहाँ पर टेम्परेचर की टर्म है। अब यदि ये दोनों टेम्परेचर स्थिर हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं, अर्थात हमारा प्रोसेस या हमारा चेंज आइसोथर्मल चेंज हो जाए या रखें या माने, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है फॉर एन आइसोथर्मल चेंज एंड फॉर एन आइडियल गैस, ये दो चीजें हो गई। तो कंडीशंस लगा लगा कर हम अपनी रिलेशंस को या इक्वेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा ए, ठीक है, किसके लिए, फॉर एन आइडियल गैस और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऐसी स्थिति में जी और ए इन दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग एक ही है, या चेंज इन जी will be equal to change in A, ये होगा। तो जब भी हम calculations करेंगे तो इसी तरीके से तो ideal gas पर लगाएंगे क्योंकि सबसे simple equation है PV equal to nRT, और कुछ condition जो हमारा process है उसकी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने isothermal change के लिए लगाया। तो यहाँ से हमारे पास दो कॉन्सेप्ट ए और जी के निकल के आते हैं। इनके बारे में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक इनिशियल जानकारी आप लोगों के लिए है कि ए क्या है और जी क्या है, ये कहाँ से आया।